अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। तो आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मंसर लेक। तो मंसर लेक एक्सप्लोर करने जा रहा था तो कुछ रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों को 5 किलोमीटर फिर वापस आके फिर दूसरे रूट से जाना पड़ा। तो क्या रास्ते में दिक्कत हुआ वो सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को आखिर तक देखें। जो अखिलेश जो भक्त है वो ये जो रेशा वरी का कार्य करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ उनके दोस्त ये बताए जा रहे हैं, उनके साथ कुछ देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ भी उनका परिवार है, यहाँ पे उनकी तरफ से एहतजाज जताया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको पैनी से दिखा रहे हैं, जितनी भी जो लिंक रोड रहते हैं उनको गाड़ियों को बंद करके इनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। कुछ परिवार के सदस्य हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं सब क्या नाम है, क्या क्यों आपकी तरफ से ये इसलिए रोष लगाया जा रहा है सर? उसको मारा गया सर, वो मरा नहीं है, उसको दबा के मारा गया। वो कहना बंदा नहीं था सर मरने वाला, ठीक है सर, उसको मारा गया। एक बंदा होता है ना जिसको सर ऐसे जोर से मार दिया गया सर, तो एक बंदे ने नहीं मारा, उसको 3-4 बंदे ने वहां पे मिलकर मारा हुआ है। और सर इनके पास वीडियो प्रूफ है सर, अभी हमने जब इनसे वीडियो मांगी और ये वीडियो नहीं दे रहे और हमें प्रूफ चाहिए, पूरी उम्र की सजा होनी चाहिए और वो बंदा वापस से बाहर नहीं आना चाहिए। और एक उसका एक माँ का है, बच्चे को मार दिया गया सर, वो माँ अपनी बच्चे का पूरी देख रही है, उस बच्चे की सर डेड बॉडी बारो बार ले गए। क्यों सर हम यहाँ किस लिए बैठे थे? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की? उसको सर जमा करो, एक साइड से सर दूसरी साइड से सर इनकी दूसरी गाड़ी आई है, उसको सर बारो बार जो दो बच्चे लेके आ रहे सर उसके मारे, उनको सर वहां से ले गए। क्यों उसको बारो बार ले गए सर? हमारे पास उनको बारो बार ये सर हम यहाँ क्यों बैठे थे? ये बताएं कि जब डेड बॉडी वहां से निकाली गई या कोई परिवार का सदस्य उनके साथ गया था? नहीं, वो वहाँ पे सर सर मैक्सिमम ज्यादा होंगे सर, बहुत सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे सर, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं था सर, सारे थे वहाँ पे सर। और हमने खुद देखा सर उसको मारा गया और उसने पूरे हाथ पकड़ के रखे थे कि जिसकी वजह से वो बच पाए, पर वो उसने बचने की कोशिश बहुत की। किसके साथ हो गया सर? वो ट्रैक्टर का काम करता था जिसको सर रेता बजरी वगैरह वो करते थे और वो वहाँ पे रेत धो रहे थे, और जिन बच्चों ने उसको मारा हुआ है सर, वो ये लड़का उनके लिए घर से खाना लेके गया है सर। कितनी उम्र है उनकी? उम्र सर 20 से 25 साल के अंदर। देखिए 20 से 25 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और इनकी तरफ से जो एहतजाज और प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी तरफ से सवालिया निशान जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की हम पुष्टि नहीं करते क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते जो है उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जो इनके परिवार की तरफ से जिस तरह से एहतजाज जताया जा रहा है, इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ महिलाएं हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या लक्षण थे आपके और क्यों क्या कान क्या कान रहे? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जी, कब से हम परेशान हैं, सब सारे ये पुलिस वाले बैठे हैं, बैठे हैं बस ऐसे देख रहे हैं। दो दिन आए थे इंटरव्यू, इन्होंने और कुछ कार्रवाई की, इनको पता चल गया ना किसी लड़की से, एक लड़का है इनके पास गिरफ्तार, उधर से इनको लेके चला गया लड़की, उसने उस समय क्यों नहीं पूछा कि बीच में भी है उसके पास सब कुछ है, नाम क्या था? अखिल था, वो एक माता बच्चे सर मार दिया था, क्यों नहीं पूछा उसको लेके गए? क्यों लेके गए? हमने पूछा तक नहीं, बार बार बोलते वो चले गए। आप सर पुलिस कहती है कि हम ऐसे क्यों अगर हो गया, अगर दो बंदे हैं तो नहीं है, अगर 3 बंदे हैं साथ में एक बंदा डूब रहा है वो उसको छोड़ आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, उसको डूबने से नहीं बचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर निकाल रहे हैं उधर से, ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, और जो ट्रैक्टर का मालिक है वो उसको बोल रहा है कि उधर से ट्रैक्टर निकाल के तुम उधर लेके आओ, और उनको इतनी याद नहीं थी चलाने की, उससे नहीं निकल पाया वो, उन्होंने उधर ही ठोक दिया, फिर उधर ही बैठे रहे वो। पुलिस पहुंची, पुलिस वालों ने उनको क्या किया, बोला कि निकालो ट्रैक्टर, उनको बोला ट्रैक्टर निकलवा रहे थे, फिर भी नहीं निकला वो, उधर ही फंस के रह गया। फिर उसको दोनों को उधर से चोरी छिपे लेके चले गए, नाटी हमारे पास लेके आए कि बात हम पूछे उनको कि क्या बात हुई है, और जो हमारे पास उधर लड़का रहा है बोल रहा है कि डूब गया रहा वो, उसको इधर नाखून के पूरे वो लगे हुए हैं स्क्रैच कि उनकी हाथापाई हुई है, और जो मर गया है उसको इधर पूरा निशान पड़े हुए हैं नीले कलर के, और जो ट्रैक्टर के आगे जैसे इसको चेन लगी हुई है उधर से चेने निकाल के ट्रैक्टर के पास पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो कभी जिंदगी में ये ना सोचे
किसी को छूने की हमें अर्जी होनी चाहिए, बस कोई सजा चाहिए, इधर आके हमें बता दे कि ये सजा उनको मिल गई है, हम उसके बाद रोड खोल देंगे, नहीं तो ये रोड नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। देखिए ये जो उनके कुछ परिवार के सदस्य हैं, ये चाहते हैं कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से स्पष्ट करे किन कारणों के चलते उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। लेकिन जो पुलिस है वो भी अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि किन कारणों के चलते उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ये रेता और बजरी का कार्य करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, लेकिन ये बड़ा ही दुखद समाचार उधमपुर जिला के साथ लगते हम आपको बताते चले कि इनकी तरफ से देखिए रोड बंद किया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, पूरी तरह से समझाने और प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ घंटे बताएंगे इनकी तरफ से क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, पुलिस क्या इनको आश्वासन देती है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।